हेलो एवरीवन, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। आप सभी का अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आपके साथ ये जीएस वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जा रहा है और आपको पता ही है कि एक एक पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वो सेट जो आपके सीजीएल 2019 का पार्ट रहा है या फिर आपके सीएचएसएल का पार्ट रहा है, इन सबको मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एसेस करेंगे। हर एक सेट को जरूर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन हैं उसमें आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि आपके लिए पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, किस लेवल का आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। देखिए, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरा जीएस स्पेशल बैच चल रहा है और जीएस स्पेशल बैच में सेकेंड कोर्स आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स का देखने को मिल रहा है। ये डेली आपका चल रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स के कोर्स के साथ साथ, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश का भी कंप्लीट कोर्स मेरा बेसिक से लेकर एडवांस तक चल रहा है। तो आप लोग जो भी आना चाहते हैं इस कोर्स को में आ सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दो क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, सुबह 8 से 9 और 9:30 से 10:30 बजे। इस पर्टिकुलर क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है डेली लाइफ टेस्ट, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे बेस्ड, और दूसरी क्लास में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी लाइफ टेस्ट मैराथन। और कल से आपकी जीएस स्पेशल सीरीज स्टार्ट है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मैंने आपके लिए जीएस स्पेशल सीरीज को रोकने की कवायद करी है। तो बिना देरी करे देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी स्पेशल क्लासेस में। यहाँ पे मेरा मकसद है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन का जो एक लुक है, क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बने हैं, वो आप कम से कम सीख जाए। तो इसी उम्मीद के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द डैश इन चाइना इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे। अगर वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे की बात की जाएगी, दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग की बात की जाएगी, तो कौन सी कैनाल यहां पे, कौन सी नहर देखने को मिलती है? तो याद रखें, इस नहर का नाम है आपकी ग्रैंड कैनाल। ठीक है, ग्रैंड कैनाल आपकी कहां देखने को मिलेगी? चाइना में। कैनाल माने होता है नहर, इसको बच्चे जानते होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डेप्रिशिएशन इज एन एनुअल अलाउंसेस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ। देखिए, ये एक तरीके का डेप्रिशिएशन की बात की जाए, डेप्रिशिएशन माने होता है किसी चीज के मूल्य में ह्रास, ये एक एनुअल अलाउंसेस है फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ व्हाट, किसके वियर एंड टीयर की यहाँ पे बात की गई है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी कभी वियर एंड टीयर की बात की जाएगी और एनुअल अलाउंस की बात की जा रही है, तो कैपिटल गुड का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, कैपिटल गुड्स यहाँ पे चर्चा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का हेड क्वार्टर? देखिए, अगर मैं आपसे BCCI के हेड क्वार्टर की बात करूंगा तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो BCCI के प्रेसिडेंट का नाम, BCCI के सेक्रेटरी का नाम, ये सारे ही आपसे सेट में पूछे जा चुके हैं, तो BCCI आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। BCCI की बात करूंगा तो BCCI के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता ही है कौन है, आपके दादा साहब, आपके सौरभ गांगुली जी। और सेक्रेटरी की बात की जाएगी तो छोटा मोटा भाई आपके सेक्रेटरी हैं, किसके? पर्टिकुलर BCCI की। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दें, मैक्सिमम लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम। बहुत कम बच्चे यहां पे देखने को मिलते हैं, उम्मीद की जाएगी कि आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां पे बात करेंगे अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा इज द सदर्न गेटवे ऑफ द, यहां पे इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, ये मस्जिद है आपकी कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में। तो यहां पे किसके द्वारा इसको बनवाया गया, अलाई दरवाजे की यहाँ पे बात की गई है? तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, अलाई दरवाजे की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे नाम आएगा अलाउद्दीन खिलजी का। किसका नाम आएगा? अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा, याद रखें। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी का नाम यहाँ पे सामने आएगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन देखिए, ये एकमात्र सेट ऐसा है स्टूडेंट्स, मेरी बात तो आप सुन लीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये एक मास सेट ऐसा है जिसके 25 में से 25 क्वेश्चंस मेरे सेट में से हैं, मेरे करवाए हुए क्वेश्चंस में से हैं। हर सेट में देखिए क्या है, हर सेट में किसी में दो क्वेश्चन नहीं आए, किसी में 3 क्वेश्चन नहीं आए, किसी में 4 क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये एकमात्र सेट मुझे अब तक ऐसा लगा जिसमें 25 में से 25 क्वेश्चंस मैंने मेरे सेट में से, मेरे जीएस स्पेशल बैचेस में से करवाए हुए आए हैं। उम्मीद करूँगा कि आप समझेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की जाएगी तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद इसके लिए ऐड किया गया, कौन से अनुच्छेद की बात की गई? तो याद रखेंगे, मैंने आपको कई बार ये करवाया है कि जितने भी कमीशन हैं आपके शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग, शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई
तो ये है आपका 338B। 338B आपका नेशनल कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, जिसको हमारे भारत के अनुच्छेद में रखा हुआ है 338B में। बात करेंगे जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, वह साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाएगी तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में कब साइन की गई, कौन सा साल है जिस टाइम इसको साइन किया गया था, ये दौर है याद रखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 19 सितंबर 1960, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे साइन किया गया। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ये किसको बोला जाएगा, आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स के अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या बोलते हैं इसको, याद रखेंगे इसको बोला जाता है क्या, सब लोग याद रखें, सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्यूशंस, ठीक है, ये समाधान एक्चुअल में गूगल ट्रांसलेटर का है तो इस पे ना जाएं आप लोग, सॉल्यूशन आपका यहाँ पे हो जाता है, सॉल्यूशन आर दी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा मिक्सचर, ठीक है, टू और मोर कंपोनेंट इज नोन एज बेसिकली सॉल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या आपका उड़ीसा में लोकेटेड नहीं है, इसमें से कौन सा यहाँ पे रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व आपका उड़ीसा में लोकेटेड नहीं है, कौन से रिजर्व की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे ये आपका रिजर्व है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व जो है आपका हाथी अभयारण्य, ये आपका कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। बाकी अगर सबकी बात की जाएगी तो बाकी सब अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अयस्क पता होने चाहिए, तो लोह अयस्क के रूप में इसमें से लोहे का जो अयस्क कौन सा नहीं है, लोह अयस्क इसमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे इसका नाम आपको यहाँ पे कपराइट, आप क्या याद रखें, ठीक है, कपराइट की बात करेंगे। हेमेटाइट तो आपने कई बार सुना होगा, मैग्नेटाइट भी आपने सुना होगा, तो यहाँ पे कपराइट की बात करूँगा, कपराइट की बात करूँगा तो ये आपको देखने को मिला आयरन का अयस्क नहीं है, याद रखेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारी जो भारतीय सेना है इंडियन आर्मी की बात की गई, इन्होंने एक कमीशन सेटअप किया टू फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर्स बाय ईयर। यहाँ पे बात की गई है कि भाई हम कमीशन को सेटअप करेंगे, पहला बैच वुमेन का, वुमेन सोल्जर का कौन से ईयर तक, इसको देखने की बात की गई है कि भाई वुमेन सोल्जर्स हमारी आएंगी महिला सैनिकों के लिए, यहाँ पे भारतीय सेना वर्ष ने सेना ने इसको रखा है, तो कौन सा ईयर है, तो याद रखेंगे 2021 तक आपका नेक्स्ट ईयर तक इसको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप जो मार्च 2019 में देखने को मिली थी, तो इंडिया की यहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, मतलब इंडिया वॉन कौन सा नंबर यहाँ पे देखने को मिला, तो याद रखेंगे इंडिया की यहाँ पे पोजीशन थी आपकी फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन थी। अगर मैं आपसे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला की बात करूँगा तो फिफ्थ पोजीशन पे आपका भारत रहा था मार्च 2019 की आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए कई बार पूछा जा चुका है, पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड, ये पद्म अवार्ड्स की बात की जाती है तो कौन सा वो दिन है, कौन सा वो दिवस है जब पद्म अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है, तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से जानकारी है। रिपब्लिक डे को आपका, गणतंत्र दिवस को आपका पद्म अवार्ड यहाँ पे हर साल देखा जाता है, पद्म अवार्ड गणतंत्र दिवस पे देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे आपका पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, हमारे संविधान के पार्ट 8 यानी कि संविधान का जो भाग 8 है इसमें किस बारे में जिक्र मिलता है, तो आप लोगों को इस बारे में चर्चा की गई होगी। देखिए स्टेट आपको पता ही है, स्टेट मैंने आपको पॉलिटी के कोर्स में बताया था, पंचायत भी बताया था, म्यूनसिपैलिटीज भी बताया था आपको, इनके भली भांति तरीके से पार्ट पता होंगे। याद रखें ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित की बात जब की जाएगी केंद्र शासित प्रदेश की, तो ये आपके पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी, पॉलिटी के जो मेरे प्लस के बच्चे हैं एक बार जरा आंसर करें, क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी आंसर करें, आपने चीज पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने आपको पंचायत भी पढ़ाया है, स्टेट भी पढ़ाया है, म्यूनसिपालिटीज़ के आपके पार्ट्स भी पढ़ाए हैं, लेकिन आपने यूनियन टेरिटरीज का पार्ट नहीं पढ़ा, तो आप आंसर करके आ सकते हैं। देखिए याद रखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। देखिए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ कि अपने देश की नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आय की बात कर रहा हूँ, कि मेरे देश में अगर राष्ट्रीय आय की बात की जाएगी, एग्रीगेट वैल्यू का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में उसकी एग्रीगेट वैल्यू का मतलब एक तरीके से हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं,
तो इसको तीन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है इकोनॉमिक्स में भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में, डोंट वरी अबाउट इट। एक इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड डैश, कौन सा मेथड यहाँ पे हम यूज करते हैं, जरा आंसर करें कौन से मेथड के थ्रू, तीसरा मेथड कौन सा है जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय की यहाँ पे प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये तीसरा मेथड आपका कौन सा है, प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड मेथड। अगर आपको समझ में ना रहा हो तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। अभी आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में इसको पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, डोंट वरी, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे भी इलैबोरेट नहीं कर रहा मैं आपको बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द एग्जिबिटेड रिमेन्स ऑफ डैश फाउंड नियर पटना इन बिहार वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन जुलाई 2016। तो यहाँ पे किसके रिमेन्स की बात की गई है, किसके अवशेष यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, किसके अवशेषों को विश्व की जो हमारा यूनियन वर्ल्ड हेरिटेज है साइट यूनेस्को है उसने यहाँ पे इंस्क्राइब किया है, इंपॉर्टेंस दी है, तो ये हैं आपके नालंदा महाविहार, ठीक है। नालंदा महाविहार की जब बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे पटना बिहार में देखने को मिलेगा जो उसके पास में है, और आप इसको वैसे भी बता सकते हैं अगर आप देख पा रहे होंगे कि पटना बिहार में कौन सी फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, सांची स्तूप, एलोरा केव्स और अशोका पिलर कहाँ पे, आप बहुत भली भांति तरीके से जानते होंगे, तो इसीलिए आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो तीनों के बारे में बताइए, सांची स्तूप, एलोरा केव्स और अशोका पिलर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। हाँ जी, दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की यहाँ पे कुल संख्या अगर बतानी है, अगर वो 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई हैं तो कितनी इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्या बात है, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का आंसर सही, यहाँ पे दो इमेज आपको देखने को मिलेंगी, कितनी, दो इमेज आपको देखने को मिलती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन देखिए, हाइड्रोजन होता है आपका, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात की जाएगी तो कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में क्या चीज काम करती है, जरा आंसर करें एक बार। हाँ जी, किसको काम में लाया जाता है, जरा आंसर करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, देखिए बहुत आसान है, हाइड्रोजनेशन माने क्या होता है, इसका सिंपल मतलब है कि इसको जब हम किस, ये रिएक्शन आपकी हाइड्रोजन के साथ ट्रीट की जाएगी, मतलब टू ट्रीट विद हाइड्रोजन, ठीक है, तो ट्रीट विद हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजनेशन देखने को मिलता है। ये एक तरीके की क्या है, ये एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, बिटवीन किसके बीच में, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर की बात करूंगा, H2 की बात करूंगा, और अदर कंपाउंड की यहाँ पे बात की जाएगी, किसकी, अदर कंपाउंड या कोई एलिमेंट हो, तो यहाँ पे स्पेशली हाइड्रोजन की जब बात की जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन आपको देखने को मिलेगा। और याद रखें, जब भी कभी हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होगी तो ये कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, इन कैटलिस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं निकल, निकल के साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है पैलेडियम, और इसी के साथ साथ आपको देखने को मिल सकता है प्लैटिनम। तो कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में जब हाइड्रोजन किसी अदर कंपाउंड और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ये आपको कैटलिस्ट देखने को मिलते हैं, तो इसी का पार्ट आपका कौन सा है, पैलेडियम आपको देखने को मिलेगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर, गदर पार्टी की स्थापना कौन से साल में की गई थी, कौन से वर्ष में इसकी स्थापना को किया गया। तो अगर मैं आपसे गदर पार्टी की बात करूं तो इसकी स्थापना की गई थी 1913 यानी कि 1913 में। सुबह की क्लास में ही आपको क्वेश्चन करवाया गया था, आपको पता होगा गदर पार्टी का। इसके बाद यहाँ पे बात करूंगा, डैश यहाँ पे अपनी नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में, मास किलिंग जो हुई थी जलियांवाला बाग में, तो यहाँ पे इसको छोड़ दिया था, त्याग दिया था। कौन थे जिन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, और सब लोग जानते हैं, मान्य श्री रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्वेश्चन कभी कभी आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग भी पूछा जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब बात की जाएगी तो महात्मा गांधी ने कौन सी अपनी उपाधि को यहाँ पे छोड़ा, कौन सी उपाधि को वापस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुबह की क्लास में आपको डिस्कस किया गया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, इसमें से गोल्डन सिटी किसे जाना जाता है, गोल्डन सिटी के रूप में किसे जानते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं तो याद रखेंगे, गोल्डन सिटी के रूप में जैसलमेर को जाना जाता है, जैसलमेर इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी, याद रखें। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट एलजी ऑफ
यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश के, तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाएगी तो कौन है, आप सब लोगों को इनका नाम पता है, कौन है आपके, गिरीश चंद मुर्मू साहब। कौन है? गिरीश चंद मुर्मू साहब। आरिफ मोहम्मद खान आपके केरल के क्या हैं, गवर्नर हैं। सत्यपाल मलिक आपके कहाँ के हैं, गोवा के हैं। और भगत सिंह कोश्यारी साहब आपके कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। आपको पता होगा इनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाएगी तो गवर्नर की, तो इनका नाम क्या देखने को मिलेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है आपके, गिरीश चंद मुर्मू। अगर आपसे क्वेश्चन और पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के लास्ट गवर्नर का नाम है आपके कौन, मिस्टर सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम द फर्स्ट फीमेल एम्पुटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्पुटी का मतलब क्या होता है, किसी का कोई अंग एम्पुटेशन प्रोसेस से लगाया गया हो, ठीक है, ये एक तरीके से दिव्यांग होते हैं, ये मैं बोल सकता हूं आपको। तो जरा बताइए, माउंट एवरेस्ट पे पहली महिला एम्पुटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, बहुत चर्चा में रहा ये क्वेश्चन। तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, बहुत चर्चा में रहा था, कई बार आपको यहाँ पे बताया गया इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पे धर्मराज, युधिष्ठर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और यहां पे नकुल और सहदेव रथ की बात की गई। ये पांच रथ आपको देखने को मिलते हैं महाबलीपुरम में। इसमें से फिफ्थ रथ का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे युधिष्ठर रथ की बात करी गई, भीम रथ की बात करी, अर्जुन रथ की बात करी, नकुल रथ की, नकुल सहदेव रथ की बात करी। तो इसमें से आर दी फोर पंचरथ एट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में जो फोर्थ आपका फिफ्थ नंबर का रथ है, इसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे द्रौपदी रथ के नाम से इसको जाना जाएगा। द्रौपदी रथ आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बात समझ में आई। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन की कमी से आपको यहाँ पे एनीमिया का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एनीमिया का रोग होता है। तो ये विटामिन का नाम याद रखेंगे, विटामिन B12। विटामिन B12 आपका यहाँ पे इसकी डिफिशियंसी के कारण आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है, याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये जो हैदराबाद फंड है, हैड बीन हेल्ड बाय दी, यहाँ पे किसके द्वारा फंड यहाँ पे कैरी होता है, कौन इसको हेल्ड करता है, इन द अकाउंट ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू UK। यहाँ पे नाम है इनका हबीब इब्राहिम रहीम टुला। क्या आंसर होगा यहाँ पे, जरा आंसर करें, हैदराबाद फंड को किसने हेल्ड किया था, कौन है इनका नाम, क्या है बेसिकली, कौन सा बैंक है, तो याद रखें इस बैंक का नाम है नेशनल वेस्ट मिंस्टर बैंक, ठीक है, नेशनल वेस्ट मिंस्टर बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जल्दी से बता दीजिए आप मुझे सारे बच्चे कि कितने आपके आंसर सही हैं, 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सही हैं, जरा जल्दी से आंसर कर दो। जल्दी से आंसर कर दीजिए, 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। तो प्रियंका के यहाँ पे 22, शुभजीत के 23, ऋषभ के 3, सौरभ के 17। चलिए, तो वेरी गुड, आपने कोशिश करी। तो इस तरीके से आपके 8 सेट कंप्लीट हो जाते हैं, 8 सेट कंप्लीट होते हैं और बाकी सेट्स आपके डेली मैं करवा ही रहा हूँ आपको। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। देखिए, हर एक बच्चा इन GS वीडियो सॉल्यूशंस को एसेस कर पाए। और पुराने सॉल्यूशंस के लिए आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 8 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कल आपकी सुबह, आपको पता ही है सुबह आपकी क्लास है, सुबह 8 से 9, और इसके साथ साथ यहाँ पे 9:30 से 10:30 बजे मैं आपके साथ ज्योग्राफी को डिस्कस करूँगा। और उम्मीद करूँगा सब बच्चे अपने साथ ऑक्सफोर्ड का एटलस लेके साथ आएँ, ऑक्सफोर्ड का मैप आपके पास होना चाहिए, कहीं से भी लेके आइए, आपको यहाँ पे मैप लाना ही पड़ेगा। और कोई बच्चा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चाहता हो, कोई बच्चा चाहता हो अनअकैडमी पे आना, प्लस को ज्वाइन करना, GS स्पेशल इंग्लिश स्पेशल को सीखना चाह रहा है, तो आप मेरा यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है varshney.divyanshu24। तो इसी उम्मीद के साथ मुलाकात करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करूंगा कि आपको लेसन समझ आए होंगे। और आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें, हर एक बच्चे के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको मैक्सिमम शेयर करना पूरी प्लेलिस्ट को। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।